यह 2020 के पहले के 10 महीनों में भारतीय कृषि निर्यात में चाइना की तरफ से एक बहुत ही अच्छे दर की बढ़ोतरी देखी गई थी, जो कि अराउंड 2.13 बिलियन यूएसडी की थी, जो जनरली 1.14 बिलियन यूएसडी की हुआ करता था ईयर टू ईयर बेसिस पे। बट दुर्भाग्य से कोरोना वायरस का आउटब्रेक ऐसे समय आया जब देश की कृषि वस्तुओं की मांग चाइना में एक बहुत ही अच्छे तरह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। भारतीय कृषि एक्सपोर्ट में चाइना की हिस्सेदारी अराउंड 7.7% या 192 मिलियन यूएसडी की है। कोविड-19 के चलते कृषि निर्यात और समुद्री उत्पादों के निर्यात में चाइना और इटली की तरफ से अराउंड 245 मिलियन यूएसडी का नुकसान भारतीय मार्केट को झेलना पड़ सकता है अकेले मार्च के महीने में ही। भारतीय कृषि निर्यात में चाइना और इटली की हिस्सेदारी कुल 9% की है। इन कारणों के चलते एक्सपर्ट्स का कहना तो यहाँ तक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं सबसे प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से होगी इस महामारी के चलते, और सबसे प्रभावित सेक्टर रहेंगे केमिकल, टेक्सटाइल और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की माने तो हमें चावल, गेहूं और दाल जैसे आवश्यक वस्तुओं की मांग में 100% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है पिछले कुछ महीनों में, और यह भी कोविड-19 के चलते ही हुआ है। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कन्फेक्शनरी, स्वीट ऑर्गेनिक प्रोसेस फूड और स्पाइसेस में भी 15-20% की अधिक मांग देखी गई है अकेले मार्च 2020 के महीने में ही। भारत सरकार ने भी पहल दिखाते हुए इस 21 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान भी आयात निर्यात के कार्य को 24/7 चालू रखने का फैसला किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान एसेंशियल आइटम्स की मांग में बढ़ोतरी US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, फिलिस्तीन और इजिप्ट की तरफ से देखी गई है। हालातों को देखते हुए यूरोपियन संघ ने भी फल और सब्जियों के आयात को बढ़ाने के लिए कई तरह के फिजिकल सर्टिफिकेट को हटाकर उनकी जगह डिजिटल फॉर्मेट्स को अपनाना शुरू कर दिया है। इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले फलों में ग्रेप, मैंगोज, बनाना और ऑरेंजेस की एक बड़ी भूमिका रही है, और सब्जी निर्यात के टोकरे में प्याज, आलू, टमाटर और हरी मिर्च का प्रमुख योगदान है। 2018-19 की बात करें तो इंडिया ने कुल 334.79 मिलियन यूएसडी के अंगूर नीदरलैंड, रशिया, यूके, बांग्लादेश और जर्मनी को मिलाकर एक्सपोर्ट किए थे, और यूरोपियन संघ के इस छूट को देखते हुए इसमें आने वाले महीनों में भी बहुत बढ़ोतरी की उम्मीद देखी जा रही है। कोविड-19 महामारी के भय से प्रतीत इस डिमांड ने भारतीय खाद्य क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर पैदा किया है। एसेंशियल पदार्थों की अवेलेबिलिटी होने के बाद भी इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करना भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कमी आई है। पोर्ट अथॉरिटीज़ में काम करने वाले लोग नहीं हैं, लेबर नहीं है। पहले जिन कामों में 2-3 दिन का समय लगता था, अब उस काम को करने में 2-3 हफ्ते का समय लग रहा है। इस संदर्भ में अमूल जैसी बड़ी कंपनियों का यहां तक कहना है कि खरीदारों को बैंकिंग चैनल की अनुपलब्धि के कारण भुगतान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते शिपमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। इसी कोरोना वायरस महामारी के चलते आने वाले महीने इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट का लाभ उठाने हेतु बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं।